Transparency Weekly Analysis पे आप सभी का स्वागत है। This presentation is brought to you on behalf of TKTB and I am your host आशीष बरुआ। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में करेंसीज में क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 103.41 लेवल्स पे, RSI एट 44.67, सो नीचे के तरफ 40 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट, थोड़ा सा रूम है नीचे के तरफ मंथली, लेकिन ये जो RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है इट इज गोइंग टू बी ए रेंज शिफ्ट। दैट बीइंग द केस मंथली टाइम फ्रेम व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी ए लॉन्गर टाइम फ्रेम जिसमें आने वाले महीनों में मे बी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ब्रॉडर पिक्चर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से डॉलर इंडेक्स वीक होने का है, वीकली में ऑलरेडी इट इज वीक लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट नियर टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेली जो हम देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, कहाँ पे है, 102.95 से 103.35 के बीच में। सो मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स क्या यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, दैट मींस ये जो सपोर्ट है वेदर इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज ए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड बाउंस बैक करता है या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। देयर आर थ्री प्रोबेबिलिटीज, एक प्रोबेबिलिटी इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, इन सच ए केस जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ऑन डॉलर इंडेक्स हो सकता है 102 के तरफ। अगर यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटीज है कि सपोर्ट लेके इस जोन पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा बाउंस बैक करेगा जिसका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटीज इज यहाँ पे साइडवाइज कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाए। आउट ऑफ द थ्री प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट एंड थर्ड प्रोबेबिलिटीज आर मच मोर हायर। सो जैसे ही अगर आने वाले दिनों में इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ इन सच ए केस और फर्दर सॉफ्टनेस इन डॉलर इंडेक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.32, यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन बरकरार है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जब भी 83.15 के आसपास डॉलर रुपी आते हैं बाजार में काफी सारा डिमांड है, जिस डिमांड के कारण मोस्ट प्रोबेबली ऑयल रिलेटेड डिमांड है जिसके कारण बायर्स टेक द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट बाइंग, जिसके कारण फिर दोबारा डॉलर रुपी 83.25-83.30 के आसपास जगह क्लोज देता है। ऑल्सो ऊपर की तरफ 83.30-40 के बीच में इनविजिबल हैंड्स आर रेजिस्टिंग मींस ऑफरिंग, सो इसके कारण ऊपर की तरफ भी मोमेंटम नहीं है, एक साइडवाइज रेंज में फंस गया है डॉलर रुपी। So what next? What next के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज है कि एक ऐसा कुछ न्यूज आ जाए, जियोपॉलिटिकल न्यूज वेदर इट इज इंडिया स्पेसिफिक और ग्लोबल स्पेसिफिक, जिसके कारण ओवरनाइट में एक गैप आउट होके ऊपर की तरफ जाना चालू करे, सो 83.50 के ऊपर जाके चालू करे, इन सच ए केस थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इनविजिबल हैंड्स विल बी देयर एट एवरी राइज। और सेकेंड ऑफ पॉसिबिलिटीज की एक गुड अमाउंट ऑफ इनफ्लोज मार्केट में हिट करना चालू करे एंड रूपी स्टार्ट्स एप्रिशिएटिंग, लेकिन एज ऑफ नाउ पाइपलाइन पे बड़ा इनफ्लोज कुछ दिख नहीं रहा है, जब तक मे बी मार्च जून के क्वार्टर में, मार्च टू जून का जो टाइम पीरियड होगा वहां पे शायद कुछ आपका इनफ्लोज हिट हो, तब तक कोई बड़ा इनफ्लोज, बड़ा बोले तो 15 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन के साइज का इनफ्लोज मार्केट में हिट करने का कोई एज ऑफ नाउ कुछ पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो व्हाट, जब तक आइदर ऑफ द टू नहीं होते साइडवेज में ही खेलने देते, 83.10-83.15 में आएगा तो बाय कीजिए, 25-30 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए एंड सो ऑन। जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2595, RSI अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 56.16, मंथली RSI इज आल्सो साइडवाइज 50.58 में, सो मंथली टाइम फ्रेम पे बोथ साइड में मूवमेंट करने का काफी रूम है, और जैसे वीकली में 60 में हल्का सा एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, अगर ये है रेजिस्टेंस वीकली
आरएसएस 60 में लेगा इन सच ए केस जो प्राइस डेली टाइम फ्रेम में है वो आपका 1.27 1.2750 के आसपास रेजिस्ट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे पिछले हफ्ते में क्या हुआ, पिछले हफ्ते में एक रेजिस्टेंस जोन था 1.2550 से 1.2580 का। आपका 21st नवंबर यहाँ पे आया, 26 में नेगेटिव फॉर्मेशन किया, 27 में साइडवेज टाइम पास किया, यानी तीन दिन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट किया। उसके बाद चौथे दिन फ्राइडे को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एनी पुल बैक मे बी बॉट फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स 1.27 1.2750 के। अभी हम आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर का जो वीकली क्लोज है ये आपका 105 में वीकली क्लोज दिया हुआ है। वीकली का जो आरएसआई है जस्ट एट 60, करेंटली एट 59.61। सो यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस आरएसआई टर्म्स में देख सकते हैं जो मंथली में भी अप्रोचिंग 60, currently at 60.11. So, यहाँ पे monthly and weekly time frame पे RSI 60 क्या ये यहाँ पे resistance दिखाएगा? लेकिन यहाँ पे जो daily chart हम अगर देखेंगे तो immediately एक resistance ऊपर की तरफ है 105.40 से 105.60. So, Monday onwards हमें देखना है कि इस level पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होते हैं। अगर आवरली टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें आपको मिलते हैं तो वहां पे ट्रेड करके कुछ ट्रेडिंग बेनिफिट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपका इमीडिएट एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। अभी यूरो डॉलर, यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.0932, RSI at 58.80, so RSI 60 is expected to act as a resistance as far as the weekly time frame is concerned. Monthly में काफी room है, currently 51.36, दोनों side में काफी room है monthly RSI perspective में। And daily perspective में क्या हुआ है? Daily perspective में ये immediate एक resistance में अटका हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से इस level को respect कर रहा है। कौन सा लेवल है ये? आपका 1.0930 से 1.0950। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका 21st नवंबर का हाई दैट मींस 1.0965 एंड 22nd नवंबर का लो 1.0852, इस रेंज बिकम्स क्रूशियल। इसके इस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पे एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है नहीं। यूरो आईएनआर जो आपका वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 91.16, आरएसआई अबव 60, करेंटली एट 63.72, मंथली आरएसआई इज ऑल्सो एट 61.68, सो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है कहां पे 91.30 से 91.50 के बीच में। इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करते हैं यूरो आईएनआर पे एक अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 92.40 92.50 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी डॉलर येन, डॉलर येन का जो आपका वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 149.39 कैंडल फॉर्मेशंस। इट्स अ डोजी कैंडल विद ए some sort of pin bar RSI 60 को नीचे के तरफ breakdown कर नहीं पाया, bounce back के कारण ये 63.43 में close दिया है। monthly RSI at 66.79, monthly RSI bullish, weekly RSI still bullish above 60, क्योंकि last हफ्ते का जो price action है वहाँ पे नीचे के तरफ 147.15 से ये bounce back करके 2 BK से भी ज्यादा ऊपर जाके close दिए 200 BK से भी ज्यादा। So, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रेंथ है और डेली पे जो आपका 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे अगर मंथली डेली वीकली एंड डेली का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सेल अपटिक्स में बी कंसिडर्ड एज फार एज डॉलर येन इज कंसिडर्ड।
येन INR जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 55.73, एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, ऑल्दो द कैंडल इज ग्रीन इन कलर बट इट्स ए इनवर्ट नेगेटिव कैंडल। RSI बिलो 40 एट 39.29, मंथली RSI इज ऑल्सो एट 38.37 विच इज बिलो 40। सो मंथली परस्पेक्टिव एंड वीकली परस्पेक्टिव में येन INR काफी नेगेटिव है। आपका डेली पर्सपेक्टिव में RSI अगर देखेंगे ये 60 में रेजिस्टेंस लेके वापस आया है थोड़ा सा, करेंटली एट 53.43। सो वीकली पर्सपेक्टिव डेली पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा साइडवाइज है येन INR, मींस दोनों तरफ ये मूव कर सकते हैं बट वीकली एंड मंथली में नेगेटिव है अभी भी। जब तक स्ट्रांग क्लोज RSI वीकली RSI अबोव 60 स्ट्रांग क्लोज नहीं दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोज एबो 40 नहीं दे देते हैं, थोड़ा सा हमें मींस बाइंग साइड से भी केयरफुल रहना चाहिए। डॉलर कैंडी वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.3625, वीकली RSI में रेंज शिफ्ट, मंथली RSI में रेंज शिफ्ट। सो डॉलर कैंडी में एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। ये जो ग्रीन कैंडल 6 नवंबर का वीकली कैंडल है उसके लो के नीचे एक अच्छा खासा जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलना चाहिए। अभी ऑसी डॉलर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो आपका 0.6579, यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दिया हुआ है। मंथली RSI taking support at 40 and moving higher, quickly RSI also took support at 40 and moving higher, monthly took support at 40 and moving higher, weekly also taking support at 40 and moving higher. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे काफी strength accumulate कर रहे हैं and daily RSI जो है वो आपका above 60 में है, so that being the case Aussie dollar पे buy dips में काफी opportunities हमें मिल सकते हैं for an immediate target ऑफ 0.6725 से 0.6800 के तरफ। आप अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉसेस के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करके एक ट्रेडिंग अच्छा खासा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने का, फ्रॉम द लॉन्ग साइड एक मिलने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं CNH, CNH का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 7.1380, RSI took resistance, weekly RSI took resistance at 60 and fallback, दो वीक का बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, इमीडिएटली एक सपोर्ट एरिया है आपका, इस सपोर्ट एरिया में थोड़ा सा टाइम पास करता है या स्ट्रेट ब्रेक डाउन करते हैं मंडे ऑनवर्ड्स वो हमें देखना पड़ेगा। मंथली में भी अबोव 60 से बिलो 60 आ चुका है RSI, सो यहाँ पे भी एक रेंज शिफ्ट का पॉसिबिलिटी है। दैट मीन द केस CNH में लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक सेलिंग मोमेंटम हमें मिल सकता है, डेली टाइम फ्रेम में सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड, इमीडिएटली एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया का जैसे ही तोड़ेगा CNH में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 80.85, मंथली पे रेंज शिफ्ट देख के नीचे की तरफ आ रहा है, सो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसिडर्ड एज फार एज मंथली टाइम फ्रेम इज कंसर्न। वीकली में एक टूवर्ड्स 44 RSI है, 40 के आसपास ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, सो थोड़ा सा टाइम पास हो सकते हैं एंड डेली पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा? इफ ऊपर की तरफ जाता है एंड डेली क्लोज 83 के ऊपर दे देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिंग आउट करके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं आपका US 10 year treasury जो वीकली क्लोज दिया है 4.472, एक स्मॉल बॉडी पिन बार टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, RSI बिलो 60 एट 55.60, मंथली RSI अबव 60 64.94, सो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है, वीकली में अबव 60 से बिलो 60 में आ चुका है, हल्का सा नेगेटिव आ रहे हैं, डेली पे क्या हो रहा है 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस यहां पे सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अभी भी क्लियर कट रेट कट का कोई इंडिकेशन नहीं है, अभी भी डेटा ड्रिवन बोल रहे हैं, सो यहाँ पे काफी वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकते हैं। US 2-year treasury जो वीकली क्लोज दिया 4.955, ये रेंज शिफ्ट करके
वीकली आरएसआई रेंज शिफ्ट करके नीचे आ रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इंतजार करना है। और आपका जो मंथली आरएसआई है वो अभी भी स्ट्रेंथ में है, वो जैसे ही बिलो 60 आ जाएगा तो सेलिंग के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। डेली पे ये कंसोलिडेशन बॉटम आउट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक ये स्विंग हाई को नहीं तोड़ता है, कौन सा स्विंग हाई आपका, ये वाला स्विंग हाई, कौन सा 5.0708, तब तक ये सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीक।